नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे सामने बजाज एवेंजर 200 सीसी है। इसमें 220 सीसी भी आता है और एक 150 सीसी स्ट्रीट मॉडल आता है। ये 200 सीसी है। ये आप इंजन से और साइलेंसर से पता लगा सकते हैं मडगार्ड से कि ये एवेंजर ही है। और इसमें हमने अभी टंकी और पैनल और सीट वगैरह सब खोल दिए हैं। इसमें करंट की समस्या आ रही थी, इसका CDI ख़राब था, हमने बदल दिया है। इसकी करंट की समस्या ठीक हो गई है। इस वायरिंग के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा सिस्टम है, AC सिस्टम है या DC सिस्टम है वायरिंग का, या AC DC सिस्टम है। तो हमने जितना हम इसमें जांच की है, जितनी हम जानकारी इससे जुटा पाए हैं, वो हम आपको बताते हैं। सच कहें तो इस सिस्टम के बारे में ससुरा हमें ही कुछ नहीं पता, क्योंकि ये मोटरसाइकिल बिना बैटरी के भी स्टार्ट हो रही है और बिना चार्जर के भी स्टार्ट हो रही है। तो सीधी सी बात है, ये DC तो नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो इसमें मैग्नेट से जो वायरिंग आई हुई है, इसमें ये एक पिकअप कॉइल का वायर है, ये मैग्नेट में जो स्टार्टिंग कॉइल लगी रहती है ये उसका वायर है, बाकी ये दो लाइट और चार्जिंग के लिए आए हुए हैं, ये एक लाइट का वायर है, और इसमें एक ये न्यूट्रल का वायर है, और एक ये काले के ऊपर पीली वाली पट्टी जो होती है, ये अर्थिंग का वायर है। तो यदि AC वायरिंग होती है जैसे कि, तो AC वायरिंग जैसा कि आपने देखा होगा, हीरो होंडा डबल एस, स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल या बजाज KB4S, जो उनमें वायरिंग आती है AC वायरिंग कहलाती है वो, तो ये उसकी तरह भी नहीं है, क्योंकि उसका CDI हमने इसमें अटैच करके देखा है, वो भी इसमें काम नहीं कर रहा है। इसमें जो करंट आ रहा है, जो करंट की क्वालिटी आ रही है, वो 4S की स्टार्टिंग या चार्जिंग कॉइल के करंट की क्वालिटी से मैच नहीं कर रही है। तो पता नहीं इसमें कौन सा और कितने वोल्ट का करंट आ रहा है, AC करंट है या DC करंट है, ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ इसको। तो मुझे अच्छा, DC वायरिंग होती यदि ये, तो ये बिना बैटरी के या बिना चार्जर के स्टार्ट नहीं होती मोटरसाइकिल। और DC वायरिंग यदि होती है तो CDI में भी DC वायरिंग का कोई वायर यहाँ पर आता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें केवल ये लाल वायर आया है जो DC वायरिंग का नहीं है, और ये है तो AC वायर का, लेकिन AC वोल्टेज भी इसका कोई अलग क्वालिटी वाला है, जो कि मुझे मालूम नहीं है। यदि आप लोगों को किसी को मालूम हो तो कृपया कर कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा वोल्टेज है। अच्छा, CDI के वायर की बात करें तो इसमें छः पिन का एक ये सॉकेट है, और ये 2 पिन का सॉकेट है जो कि कार्बोरेटर में लगा रहता है। बिना इसके भी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसमें ये आप सफ़ेद पर लाल रंग की पट्टी देख रहे हैं, ये पिकअप कॉइल का है। काले पर लाल रंग की पट्टी है, ये HT कॉइल का है, और ये पूरा काले कलर का वायर है, ये दूसरी वाली HT कॉइल का है। और इस तरफ की वायरिंग की बात करें यदि हम, तो काले के ऊपर ये पीली पट्टी आप देख रहे हैं, तो ये अर्थिंग का वायर है। ये काले के ऊपर सफ़ेद पट्टी आप देख रहे होंगे, ये देखिए बीच में है, ये बीच में, तो ये गाड़ी इंजन स्टॉप करने के लिए होता है ये वायर। और ये लाल रंग का मैग्नेट से करंट का वायर आया हुआ है। इस CDI में सारा का सारा खेल इसी लाल रंग के वायर का होता है, यही CDI के अंदर जाता है और फिर इन दो वायरों में कन्वर्ट हो गए HT कॉइल तक पहुंचता है, काले वायर में, और काले के ऊपर लाल वायर में कन्वर्ट हो गए ये CD आपका HT कॉइल तक, लीड वाली कॉइल तक पहुंचता है। तो बजाज एवेंजर 200 CC, जिसमें
डिस्कवर 125 सीसी का सीडीआई लगा हुआ है। उस मोटरसाइकिल में यदि करंट से संबंधित, स्टार्टिंग से संबंधित कोई समस्या आती है तो 90% तक चांस सीडीआई ख़राब होने के रहते हैं, बाकी 10% चांस आपके पिकअप कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के रहते हैं। अभी तक तो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ इस वायरिंग के विषय में समझ में आया होगा, और जो लोग पहले से जानते हों कि ये किस तरह की वायरिंग है, मतलब इसमें डीसी वायरिंग तो नहीं है, एसी में किस क्वालिटी की वायरिंग है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये किस तरह की वायरिंग है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।